कल मैंने एक वीडियो डाली कि दुबई में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, किस किस्म की जॉब्स अवेलेबल हैं। तो उसके बाद भी लोगों ने मुझे कमेंट्स में मैसेज किए कि सर आपने डॉक्टर्स के बारे में नहीं बताया, या आपने लॉयर्स के बारे में नहीं बताया, या आपने बाकी जो डिसिप्लिन हैं उनके बारे में नहीं बताया कि उनकी जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा शायद वीडियो के अंदर जो है ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, आप प्रॉपरली सारी चीज़ें नहीं बता पाते, तो मैंने कहा कैजुअल वीडियो बना के मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि दुबई में किस किस्म की जॉब्स अवेलेबल हैं। तो देखें, दुबई में हर किस्म की जॉब्स अवेलेबल हैं, चाहे आप टीचर्स हैं, आप अकाउंट्स के बंदे हैं, फाइनेंस के बंदे हैं, एचआर है, सप्लाई चेन है, आप कैमरामैन हैं, आप क्लीनर हैं, बार्बर हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, कस्टमर सर्विस हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्पोर्ट्स के बंदे हैं, आप कोई भी डिसिप्लिन ले लें, आप किसी भी डिसिप्लिन के बंदे हैं, दुबई में सब लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। यहाँ पे तकरीबन 93-94 लाख लोग रहते हैं, तकरीबन क्लोज टू 1 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं। वो 1 करोड़ लोग जो है, इतनी बड़ी कंट्री है ये, तो उन 1 करोड़ लोगों को हर चीज़ चाहिए। जैसे मैंने स्कूल्स की मैंने एग्जाम्पल दी थी, तो यहाँ पे एक स्कूल है, अब यहाँ पे 1500 से 2000 के करीब स्कूल्स हैं। अब उस स्कूल के अंदर टीचर्स भी हैं, अकाउंटेंट्स भी हैं, एडमिन स्टाफ भी है, क्लीनर्स भी हैं, मेड्स भी हैं, जो भी आप चौकीदार कह लो वो भी है। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज है ना, वो हर हर टाइप की अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे मैं वीडियो में बताऊं या ना बताऊं। लेकिन मैंने वही अपनी वीडियो में ये बात समझाने की कोशिश की थी कि यार डोंट मेंशन कि आप टीचर हैं तो आपके लिए हैं या नहीं, केमिस्ट्री टीचर है उसके लिए है या नहीं, या आप कोई अकाउंट्स के बंदे हैं तो आपके लिए हैं या नहीं। हर टाइप की जॉब्स दुबई में अवेलेबल हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, कोई एक बड़ी कंपनी की, जो मैंने अपनी वीडियो में एग्जाम्पल दिया, कोई भी एक बड़ी कंपनी ले आए, उसके अंदर अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी होता है, ब्रांड भी होता है, मार्केटिंग भी होता है, सप्लाई चेन भी होता है, एचआर भी होता है, आईटी भी होता है। उस कंपनी में क्लीनर्स भी होते हैं जो ऑफिस साफ करने के लिए होते हैं, उस कंपनी में मेंटेनेंस के लोग भी होते हैं, उसमें जो ये ब्रांडिंग मटेरियल बनाने वाले होते हैं ये भी होते हैं, उसके अंदर रिसेप्शनिस्ट भी होते हैं, उसके अंदर हर टाइप के लोग होते हैं जाके। और यहाँ पे ऐसी हजारों कंपनीज हैं। तो मैं इस वीडियो के थ्रू सिर्फ ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं ना, ये नल एंड वॉइड क्वेश्चन है। ये आप किसी भी फील्ड के बंदे हैं, आप चाहे बारबर ही क्यों ना हो, आप चाहे प्लम्बर क्यों ना हो, हजारों की तादाद में पाकिस्तानी प्लम्बर्स यहां पे काम कर रहे हैं, अपनी छोटी छोटी कंपनीज खोली भी हैं जाके, हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में पाकिस्तानी टीचर्स हैं वो यहां पे पढ़ा रहे हैं, हजारों की तादाद में पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड्स यहां पे हैं, हजारों की तादाद में लोग, लाखों की तादाद में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फाइनेंस में काम कर रहे हैं, हजारों की तादाद में यहां पे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। तो आप किसी भी डिसिप्लिन से हैं, किसी भी फील्ड से हैं, मैं आपको ये बता सकता हूं कि उस फील्ड की जॉब्स दुबई में अवेलेबल हैं। द होल पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि अगर यहां पे जॉब्स अवेलेबल हैं तो वो उन लोगों के लिए हैं जो कॉम्पेटिटिव हैं, जो कॉम्पिटेंट हैं। जैसे मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूं कि लोग यहां पे आते हैं, मैं 14 साल से दुबई के अंदर रह रहा हूं, मैं आपको बता सकता हूं, मैं हजारों लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया है, हजारों लोगों ने मुझे सीवीज भेजी हैं, कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं इसका सीवी प्रॉपर बना हुआ। कैन यू बिलीव दैट? इंटरव्यू तो हमारे यहां प्रिपरेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वी थिंक दैट वी नो हाउ टू गिव इंटरव्यूज, बट वी डोंट नो हाउ टू गिव इंटरव्यूज। हमें ये तक नहीं पता होता कि इंटरव्यू के जो पहला क्वेश्चन होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और डिस्क्राइब योर सेल्फ, हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, वी डोंट नो दैट। तो मैं सबको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यार अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, अगर आप कॉम्पेटिटिव हैं, अगर आपका रिज्यूमे प्रॉपर बना हुआ है, अगर आपने इंटरव्यू की प्रॉपर प्रिपरेशन की भी है, अगर आपकी कम्युनिकेशन पे आपने थोड़ा काम किया है, इंग्लिश कम्युनिकेशन पे, ताकि जब आप इंटरव्यू में बैठे तो आप उससे चिट चैट कर सके, बात कर सके, अपने आप को प्रॉपरली प्रेजेंट कर सके,